स्पॉन्सर लोग अब बाउंस करेंगे यहाँ पे। बना रहे ना कि ये सुधर जाए, पिछले बार की तरह ना करें जी। तो इसमें तो झारखंड सरकार भी साथ की, झारखंड सरकार का भी सपोर्ट रहा। झारखंड सरकार साथ नहीं दे रही है, वो अलग बात है कि हम जैसे अच्छे लोग को झारखंड सरकार रिस्पेक्ट की है और तब साथ देने की बात की है। कोई इसके चेयरमैन के लिए झारखंड सरकार ने कमिटी नहीं किया है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि झारखंड सरकार को इस प्रोग्राम को टेक ओवर करना चाहिए और अगले साल से झारखंड सरकार इसको इसका आयोजन करे और हम उसमें जिस तरह से उसके बारे में बताइए, क्योंकि जिस तरह से आपने मेहनत किया यहाँ पे ये झारखंड इंटरनेशनल फेस्टिवल अगर हो रहा था तो उसमें हम एक ही फेस जानते थे, लाल विजय शाह, लेकिन आज लाल विजय शाह देव ही इससे बाहर जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? देखिए, मैं जीफा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना झारखंड किस इज्जत को या सम्मान का विरोध कर रहा हूँ। मैं एक अकेला ऐसा इंसान का विरोध कर रहा हूँ जो अकेले बैठ के टेबल में बैठ के डिसाइड करता है कि किसको क्या अवार्ड मिलेगा और कौन क्या करेगा। दिस इज़ नॉट डन। आर्टिस्ट को आप जब बुलाते हैं कहीं तो झारखंड को, आपको पता है कि झारखंड होस्टिंग में कितना जाना जाता है, नाम है झारखंड, जब लोग आते हैं तो कितनी तारीफ होती है। मेरी यूनिट जब शूटिंग करने आती है मुंबई के तो वो लोग बोलते हैं कि सर घर जैसा लगता है, कितने लोग अच्छे हैं, घर दुकानदार बिना पैसे लिए कपड़े देते हैं हम लोग को, इतना हेल्प करते हैं। ये लोग आर्टिस्ट को एक गिलास पानी नहीं पूछ रहे, चाय नहीं पूछ रहे। अरबाज ने भी बैकआउट कर दिया, वो गुस्सा होकर चले गए। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो रात को भी गुस्से, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके मैं बुलाया था, वो आने के लिए तैयार नहीं थे, कोई तैयार नहीं था, ना रोहित रॉय तैयार था, कोई तैयार नहीं था आने के लिए। मैं सबको हाथ पांव जोड़ के मैं बुलाया हूँ क्योंकि झारखंड की इज्जत थी और ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम गलत नहीं है, उसमें जो बैठा शीर्ष लेवल पे अपने आप को जो साबित करता है वो गलत है। पर्टिकुलरली उस इंसान के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे इंसानों को झारखंड गवर्नमेंट चयनित करे ताकि ये जो फेस्टिवल है उसे झारखंड का नाम जो बदनाम हो रहा है वो ना हो। बिल्कुल बदनाम हुआ है।